गुरु क्या करते हैं, गुरु कैसे होते हैं, गुरु कितने होते हैं, ध्यान रखना। एक स्मरण गुरु होते हैं। एक कौन से गुरु होते हैं? स्मरण गुरु होते हैं, जिनके स्मरण मात्र से जन जन के पाप कटते हैं। कछुई कछुई अपने बच्चे को जन्म देती है और दूर हट जाती है, मात्र मन ही मन अपने बच्चे का स्मरण करती है और बच्चा लायक बनता है। स्मरण गुरु हम भी तीर्थंकर परमात्मा का स्मरण करते हैं और क्या पाते हैं? आज 10:30 का टाइम दिया है, तब तक किसी बहनों ने किसी श्रावक ने आसन गुंडा लेने की कृपा मत करना। कल सवेरे 10 बजे एक मंगल पाठ दे दूंगी, उसके बाद में बाकी के कार्यक्रम सूचना और पचकान होंगे, उसके पहले नहीं होंगे। लेकिन आज 10:30 बजे का समय है, तो क्या है? स्मरण गुरु तीर्थंकर परमात्मा आज हमारे सामने नहीं है, लेकिन वो हमारे स्मरण गुरु है। सुधर्मा स्वामी का ये व्यासपीठ है, वो आज हमारे सामने नहीं है, लेकिन वो हमारे कौन है? स्मरण गुरु। आज सुधर्मा स्वामी का पहला व्यासपीठ है, आज उनकी याद करने की बात है। आज व्यास ऋषि का ये पीठ है, इसलिए आज व्यास ऋषि ने पहले क्या है उपदेश दिया था, इसलिए इसको व्यास पीठ नाम देते हैं। आज सुधर्मा स्वामी की देशना गुंजी थी, इसलिए इसको सुधर्मा सभा कहते हैं। स्मरण गुरु समझ में आए। दूसरे है दृष्टि गुरु। दृष्टि गुरु मछली अपने संतान को जन्म देती है और दूर हटती है, मात्र उसके पास दृष्टि रखती है और उसका बच्चा लायक बनता है। मछली दृष्टि गुरु अंडा पानी में देती है और स्वयं दूर हो जाती है, और दृष्टि मात्र किसके तरफ रखती है? बच्चे की तरफ रखती है, दृष्टि गुरु। हमारे भी दृष्टि गुरु कौन है? गणधर। कौन है हमारे दृष्टि गुरु? गणधर। उसके साथ साथ जिन जिन के गुरुदेव लोक में गए हैं वो दृष्टि गुरु। ध्यान रखो, आजकल का जमाना बड़ा विचित्र चल रहा है। कई पंथवादी लोग घुमा रहे हैं, वो कहते हैं तुम्हारे गुरु का देवलोक हो गया, अब हमको गुरु बना लो। गुरु बनाए नहीं जाते, गुरु बनते हैं। गुरु बनाए नहीं जाते, गुरु बनते हैं। कई लोगों के मुंह से मैंने कहा सुना है, लोग कहते बाप जी अमुक लोग आए थे, उन्होंने कहा तुम्हारे गुरु का देवलोक हो गया, अब नए गुरु बना लो। ना ना, ये भूल मत करना। ध्यान रखो, जब जिंदे गुरु होते हैं तो 2 आंख से देखते हैं, और जब देवलोक गुरु होते हैं तो 1000 आंख से देखते हैं, क्योंकि वो देवलोक में जाते हैं। और देवलोक के अंदर गुरु की आंखें कितनी होती है? इंद्र की आंखें कितनी होती है? 1000 आंख वाले होते हैं। जिंदे गुरु 2 आंख वाले और देवलोक होने वाले गुरु, तब भूल जाना। दृष्टि गुरु कौन से गुरु? याद है ना, दृष्टि गुरु। गुरु की दृष्टि पड़ जाए, जरूरत नहीं है मैं गया महाराज साहब मैंने दया पाड़ो भी नहीं बोलिया, मैं किसी से बात भी नहीं करा। अरे तुम्हारे ऊपर दृष्टि पड़ जाए कुछ नहीं होना। गुरु की स्नेह भरी दृष्टि निहाल कर देती है। काय के लिए ऑब्जेक्शन लेते हो, क्यों बोलते हो, बोल करके क्यों अपने गुरु के प्रति अनादर व्यक्त करते हो? कभी मत बोलना, ये बोलना आज हम धन्य हुए हमारे ऊपर अपने गुरु की दृष्टि पड़ी। कई लोग मुझे आके कहते हैं बाप जी थे मैंने देखा पंथी मैंने बोले सुनो, आप बोलते हो ना मैं दया पाड़ो भी नहीं बोले, नुस्ते मात कर देखा।
अरे गुरु देख के हंस दे रहे तो जिंदगी बस जाती है, गुरु जब हंसता है तो जिंदगी को बसाता है, गुरु जब देखता है तो आपके समस्त अपराधों को देख करके ब्लॉटिंग पेपर की तरह चूस लेता है, आपके पापों को चूसने वाला गुरु होता है। अब तीसरा है शब्द गुरु, तीसरा है शब्द गुरु। गुरु के शब्द जैसे कुररी होती है, हिंदी में कुररी कहते हैं, संस्कृत में कुररी कहते हैं, और आपके भाषा में घार कहते हैं, मराठी भाषा में क्या कहते हैं? एक मराठी में कहावत है ना, घार फिरते आकाशी, लक्ष्य तिचे पिल्ला पासी। कितनी अच्छी बात है, घार आकाश में रहती है और दृष्टि नजर बच्चे के पास में रहती है। कुररी शब्द करती है, घार आकाश के अंदर से शब्द करती है और उसका बच्चा अंडा फोड़ करके बाहर निकलता है और उड़ना सीख जाता है। तो पशु पक्षी वनराज ये सारे लोग आवाज करने वाले होते हैं। तीर्थंकर परमात्मा ने चंड कौशिक को आवाज लगाई, बुझ बुझ अरे चंड कौशिक सावधान, तू क्या कर रहा है? आवाज, एक आवाज से आत्मा जाग गई। शब्द गुरु, शब्द गुरु। अब लास्ट में गुरु की बात कहती हूं, जो होते हैं स्पर्श गुरु। कौन से गुरु? जब गुरु का हाथ सर पे हो तो दिल को तसल्ली रहती है, किसी की नाव पानी में मेरी रेत पे चलती है। गुरु ने खुश होके सर पे हाथ रख दिया तो उसके सामने तीन लोग का राज्य फीका है, उसके सामने तीन लोग का राज्य फीका है। लेकिन ध्यान रखना, गुरु गुरु होते हैं, गुरु के नाम से अपना जीवन शुरू करो, गुरु के नाम से अपना जीवन शुरू करो, गुरु के नाम शिवाजी की तरह अपना विश्व समर्पित नहीं कर सकते हो। गुरु के नाम उस राजा की तरह अपने वंश को भी छोड़ सकते हो, इतना अर्पण समर्पण तुम्हारे अंदर नहीं है तो कम से कम थोड़ा तो रखो। क्या करोगे? क्या किया न शिवाजी महाराज अपने साथ में लेके गए, न तुम अपने साथ में ले जाने वाले हो, लेकिन नाम अमर कर गए। तुम क्या कर सकते हो? पीछे चेयर में बैठने वाले मेरा एक का ही आवाज चलने दो, आपका आवाज मेरे तक आ रहा है तो क्या है? ध्यान रखो कि जिंदगी जिंदगी वाली बात है। आज गुरु की बात कर रही हूं, समर्पित हो जाओ गुरु के चरणों में, क्या नहीं मिलेगा? गुरु क्या नहीं देते? हर एक कथा है तुलसी जी के जीवन की, एक सोना श्रृंगार सजी हुई एक सुंदरी रोड से जा रही थी और तुलसी जी सवेरे सवेरे गंगा मैया के पास में अपने हिंदुत्व के संस्कृति के हिसाब से जल अर्पण करने के लिए जा रहे थे। उस समय पर उस सोना श्रृंगार सजी हुई बहन ने उनके चरणों में सिर झुका और उन्होंने क्या किया? तुलसी आवत देख के सती नमायो शीश, तुलसी आवत देख के सती नमायो शीश, चिर जी ओ तुझ बाल मा अमर चिड़ो आशीष। तुलसी जी ने हाथ सर पर रख करके आशीर्वाद दिया, बहना चिर जीवो तुझे बाल मा अमर चुड़ो आशीष, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं कि तेरे पति चिर जीवो और तेरी चुड़िया और चुंदड़ी
अमर रहो। उस बहन ने हाथ जोड़ लिए और कहा, तुलसी जी पति हमारे चल बसे। क्या कहा? पति हमारे चल बसे मैं भी जावनहार, पति हमारे चल बसे मैं भी जावनहार, तुलसी तेरे वचन का होगा कौन हवार। मेरे पति की लाश आगे चली गई है और मैं सती होने के लिए पीछे जा रही हूँ, और तुलसी जी ने क्या आशीर्वाद दिया? चिर जीवोत जिबाल मां अमर चुड़ो आशीष। क्या कहा? और पति, वो सती थी, कहाँ जा रही थी? 16 श्रृंगार सज करके अपने पति के पीछे सती होने के लिए जा रही थी, और तुलसी जी ने आशीर्वाद दिया। अब वो बहन कहती है, पति हमारे चल से हम भी जावनहार, तुलसी तेरे वचन का होगा कौन हवार। अब तुम तुम्हारे वचन संभालो तुलसी जी। तुलसी जी ने कान पर हाथ रख लिया। हे भगवान, बहना तुझे 16 श्रृंगार सजी हुई देख करके मैंने आशीर्वाद दिया। बहन कहती है, मैंने सुना है संत के वचन व्यर्थ नहीं जाते। ठीक है, चलो। अब संत और तुलसी जी चले। अब क्या था? What is the life? Challenge is life. इतने दिन तक जनता के सामने चैलेंज था, आज गुरु के सामने चैलेंज खड़ा हो गया। चले चले गए स्मशान के अंदर, वो लाश की रस्सियां खोली जाने लगी और वहां पर तुलसी जी बैठे और उन्होंने क्या कहा? तुलसी मरा मंगाए के धरा शीश पर हाथ, तुलसी मरा मंगाए के धरा शीश पर हाथ, तुलसी दास गरीब की पतरा खोर भुनाथ। मैंने तो कह दिया, अब तुम संभालो। मैंने तो कह दिया और तुम संभालो। और कथानक में ऐसा आता है कि तुलसी जी के हाथ के स्पर्श से उसके पति जीवित हो गए। ध्यान रखो, गुरु क्या नहीं कर सकते। जाएगा किस्मत का ताला, खुल जाएगा किस्मत का ताला, दरबार गुरु के चले आना, दरबार गुरु के चले हो जाएगा कि तिरवाला। तुम भी बोलो। हो जाएगा तकदीर वाला, दरबार गुरु के चले आना, बोलो दरबार गुरु के चले आना। खुल जाएगा, ऐसा आवाज आ रहा है जिस आप सबको एक साथ में होलसेल में अठाई। खुल जाएगा किस्मत का ताला, बोलो। खुल जाएगा किस्मत का ताला, दरबार गुरु के चले आना, दरबार गुरु के चले। एक काम करते हैं, जिनको हमारे दरबार में नहीं आना होना गुरु के, वो नहीं बोलना। जिनको आना है ना, वो हाथ खड़े करके बोलना, दरबार गुरु के चले आना, दरबार गुरु के चले आना, हो जाएगा तकदीर वाला, हो जाएगा तकदीर वाला, दरबार करके आश्वासन दिया है। ईमानदारी से हाथ ऊपर किया। दो लोग हाथ ऊपर करते हैं, एक तो जिनको अपने जबान पर पक्का रहना है वो,
और दूसरे जिनको दीवाना निकालना है वो बोले कहते हैं हाथ ऊपर कर दियो, हकड़ बोले कि नहीं बोले, बोलते हैं ना एक तो जो दीवाना निकालता है वो हाथ ऊपर करता है और एक जो वचन देता है वो हाथ ऊपर करता है। तुमको किसके लिए दीवाना या दीवाली? एक जो दीवाना बनता है वो हाथ ऊपर करता है और एक जो दीवाना निकालता है वो हाथ ऊपर करता है। तुम तो गुरु के दीवाने हो इसलिए आज यहां चल के आए हो। ध्यान रखना दिव्या ने दीवा लागला गेला कि दिव्याची एक दीप माला तैयार होते है। दिव्या ने दीवा लावला गेला कि दिव्याची एक दीप माला तैयार होते, फुलाला फूल जोडला गेलं की फुलाचा एक फुलहार तैयार होतो, फुलाला फूल जोडला गेलं की फुलाचा एक फुलहार तैयार होतो, आणि नात्याला नात्याचं स्वरूप दिलं की माणुसकीचं सुंदर नातं तैयार होतं, माणुसकीचं सुंदर नाते तयार होते, आणि त्या नात्याला नात्याचं स्वरूप देण्याचं कार्य गुरु करतात, त्या नात्याला नात्याचं स्वरूप देण्याचं कार्य कोण करतात? गुरु करतात। इस बात की आप सभी ने ध्यान रखना। आज गुरु पूर्णिमा है, कितना आनंद का दिन है। आज गुरु के चरणों में समर्पित होने का दिन है। आज बड़ी चौदस है और इस बड़े चौदस के दिन आज गुरु पूर्णिमा है, साथ ही साथ आज ग्रहण है। जिसको ग्रहण किया जाता है वो ग्रहण होता है। आज जिसको ग्रहण किया जाता है, जिसके द्वारा ग्रहण किया जाता है वो ग्रहण होता है। सारी बातें आपको प्रफुल्ला जी ने बता ही दी है। आज रात को मेमोरी डेवलपमेंट के लिए, मेमोरी डेवलपमेंट के लिए एक क्लास शुरू होना है। आज का दिन साधना का दिन है, इस बात को ध्यान रखना। अब चार महीने के चतुर्मास का प्रारंभ होने वाला है। चतुर्मास के अंदर साधु एक जगह पर चार महीने रहते हैं, लेकिन दो दो कोस की मर्यादा गांव की सीमा छोड़ करके उनके लिए खुली होती है। सारे सभा की मैं आज्ञा लेती हूँ, दो दो कोस यानी कितने किलोमीटर? 3 किलोमीटर का एक कोस यानी 6 किलोमीटर तुम्हारे पुणा के ये पिंपरी चिंचोड़ के हद को छोड़ करके, पहले जमाने में शिव कहते थे, शिव को छोड़ करके, और ऐसे साधु विहार नहीं करते, लेकिन किसी का संधारा व्रत हो तो साधु विहार करके 100 किलोमीटर भी जा सकते हैं, गुरु की आज्ञा हो तो जा सकते हैं, ये आधार है। इसके साथ ही साथ क्या है कि यहाँ पर कोई धर्म स्थान में किसी के यहाँ पर कार्यक्रम यदि हो तो, क्योंकि चिंचवड़ स्टेशन, चिंचवड़ गांव, फेर गांव और क्या है ये 10 जो संघ है, मैं नाम नहीं लेती हूँ, टाइम आ रहा है, ये 10 जो संघ है, कहीं पर भी मुझे जाने की जरूरत पड़े तो वहाँ के धर्मस्थान की, उस धर्मस्थान के अंदर वापस जाने वाले पाठ पाटना की आपकी सबकी आज्ञा है। इस भूमि की तो आज्ञा ली है। स्कूल में जाना पड़े, हमारे जैन स्कूल में जाना पड़े, कोई भाई दिव्य कोई कार्यक्रम हो और किसी ने आवाज लगाई जाना पड़े तो आपकी आज्ञा है। इसके अलावा और 4 जगह खुली रखती हूँ, वहाँ जाने की आपकी आज्ञा है। कोई देवगत, कोई क्षेत्रगत, कोई सृष्टिगत कारण आ जाए तो बात अलग है। बाकी हम आज प्रतिक्रमण होने के बाद में यहाँ पर 4 महीने के लिए आपके और आपके स्नेहानुबंध में बंधने वाले हैं। इस स्नेहानुबंध को खूब निभाना, इस स्नेहानुबंध को खूब निभाना, ये मैं आपसे आज के दिन पर अपेक्षा करती हूँ।